हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, गांधीयन अप्रोच करेंगे इन नेक्स्ट ऑफ आर अप्रोचेस। ऑल राइट, सो लेट अस क्विकली सी। एंड बिफोर सीइंग दैट, एमसीक्यू कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं ईपीएफओ के लिए, इन विच अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। एंड टिल नाउ द डिस्काउंट कूपन इज गोइंग ऑन सेल 50। यू विल गेट 50% ऑफ। यू कैन गेट द कॉम्बो कोर्सेज या फिर आप सिंगल सिंगल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। एंड पीडीएफ फाइल्स का लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको पीडीएफ फाइल्स का कोर्स अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। इन एनी ऑफ द कोर्स यू परचेज, पीडीएफ फाइल्स आपको वहाँ पर साथ में मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 पर, या ईमेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर। Alright, so let us quickly start. Now the Gandhian approach, it's a very important approach. बहुत important approach है specifically exam point of view से, क्योंकि गांधी जी को one of the greatest labor leaders माना गया है modern India का, क्योंकि उनके जो views थे on the international, on the labor relations, okay, और the industrial relations, वो काफ़ी wide थे, काफ़ी broad थे और काफ़ी different थे as compared to the views that were expressed by the western philosophers and the western thinkers. Okay, like agar aap dekho, Gandhi ji had a definitive view on the fixation and regulation of wages. Unka manna tha ki wages jo hai wo fixed honi chahiye, regulated honi chahiye. All right, organization and function of trade unions ko wo encourage karte the, aur in trade unions ka organizational structure kaisa hona chahiye. Jaise Gandhi ji was very serious about this कि ट्रेड यूनियंस जो है उनका किसी भी तरह का पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियंस को पॉलिटी के लिए या पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबिलिटी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग को महात्मा गांधी जो है वो प्रमोट करते थे। यूज़ एंड अब्यूज ऑफ स्ट्राइक्स, स्ट्राइक कहाँ पर यूजफुल है और अगर एक वर्कर स्ट्राइक के ऊपर जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और स्ट्राइक कब आपने नहीं करना है, तो इसके ऊपर भी डेफिनेटिव व्यूज जो है महात्मा गांधी ने दिए। लेबर इनडिसिप्लिन के लिए भी महात्मा गांधी बोले। महात्मा गांधी लेबर के फेवर में थे, लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि लेबर ऑल्सो हैज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। अभी हम समझेंगे ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल, तो लेबर को भी ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को फॉलो करना है। उसके बाद वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस जो है वर्कर की वो बेटर होनी चाहिए, और वर्कर्स की ड्यूटीज़ को भी उन्होंने कुछ हाईलाइट किया, ओके। और महात्मा गांधी के इस करियर में एज वन ऑफ द लेबर लीडर्स, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के साथ जो एसोसिएशन था महात्मा गांधी का, जो अहमदाबाद स्ट्राइक वहाँ पर उन्होंने की, दैट वॉज अ मेजर, यू नो, द मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री विच ब्रॉट महात्मा गांधी एज अ ग्रेट लेबर लीडर। ऑल राइट, अब गांधी जी, देखो गांधी जी का मानना था कि इंसान तो एक अच्छा आदमी है, ठीक है, इंसान में अच्छाई बची हुई है, ठीक है, और जितनी भी दिक्कतें हैं इस दुनिया में वो बुरे लोगों की वजह से नहीं है। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंडिविजुअल्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिस्टम्स। तो हमें सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल तो अच्छे ही हैं, इंडिविजुअल बुरे नहीं है, ओके। सो ही इंसिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइजिंग ईच इंडिविजुअल वर्कर एज अ ह्यूमन बींग। उन्होंने एम्प्लॉयर्स को क्या बोला कि आप ये जो इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, जो आपके लेबरर्स हैं, आप उनको ये मत कंसिडर करो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक कैपिटल है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। आप उनको एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करो, डेफिनेटली। एंड अगर आप उसको एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट कर रहे हो तो आप उनकी डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को समझोगे, और जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, एंड जब उन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे देन डेफिनेटली द थिंग्स विल इम्प्रूव, ओके। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट कम्युनिज्म। सो गांधी जी का कहना था कि देखो अगर कम्युनिज्म बिना वायलेंस के आता है तो वो वेलकम है उसका, ठीक है। गांधी जी कम्युनिस्ट की किस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे, मार्क्स की किस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे? गांधी जी, इनकी जो ये वॉयलेंट स्ट्रगल वाला फंडा था ना कि अगर आपको चेंज लेकर के आना है तो जो वर्कर ग्रुप है उसको वॉयलेंट प्रोटेस्ट एक करना पड़ेगा, एक वॉयलेंट रेवोल्यूशन लेकर के आना पड़ेगा, तो महात्मा गांधी वॉयलेंस के तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर नॉन वॉयलेंस से कम्युनिज्म आता है देन डेफिनेटली कम्युनिज्म इज़ अ गुड थिंग, ओके। अब गांधी जी ने एक सक्सेसफुल स्ट्राइक के लिए कुछ कंडीशंस रखी, वो क्या थी? सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि जो कॉज है स्ट्राइक का वो जस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी ग्रीवियंस है या छोटा मोटा कोई इशू हो गया
या बिना बात के ही आप स्ट्राइक करके बैठ गए। कॉज जो है वो जस्ट होना चाहिए, जैसे अहमदाबाद के केस में था कि भैया उनका जो प्लेग वाला बोनस था वो हटा दिया उन्होंने, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। तो गांधी जी कहते हैं ये तो अनजस्ट बात है ना। देयर शुड बी नो वायलेंस, आपने वायलेंस नहीं करना है, शांति से सब कुछ होना चाहिए। जो नॉन स्ट्राइकर्स हैं या जिनको बैक लेग्स भी कहा जाता है, नॉन स्ट्राइकर्स या बैक लेग्स कौन होते हैं, जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो गांधी जी कहते थे अगर ऐसा कोई है जो नॉन स्ट्राइकर है या जो बैक लेग है, जो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आपने उसको मलेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती किसी को रोकना है, ठीक है, आपने ज़बरदस्ती किसी को भी स्ट्राइक करने के लिए फोर्स नहीं करना है। ओके, सो अल्टीमेटली महात्मा गांधी जो थे वो स्ट्राइक्स के अगेंस्ट नहीं थे, बट उन्होंने क्या कहा कि स्ट्राइक को एज अ लास्ट वेपन आपने यूज़ करना है। आपने पहले पीसफुल वे से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, नेगोशिएशन से, कंसीलिएशन से, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है इश्यूज को। अगर वो रिजॉल्व नहीं होते, देन एज अ लास्ट वेपन आपने जो है स्ट्राइक को इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का जब हम बात करते हैं लेबर लीडर की एज अ महात्मा गांधी, तो उसमें एक कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप आ जाता है, जो एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल रिलेशन में महात्मा गांधी का। सो अकॉर्डिंग टू दिस, एम्प्लॉयर शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्व एज सोल ओनर। एम्प्लॉयर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने पैसा लगाया, ये मेरी दुकान है, ये मेरा गल्ला है, ठीक है, अपनी मिल का, अपनी फैक्ट्री का। वो लीगल ओनर है उसका, ठीक है, उसके नाम पे वो जगह रजिस्टर्ड है, उसके नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड है, पर उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सारे रिसोर्सेज ही मेरे हैं। ऑलराइट, द एम्प्लॉयर शुड ट्रीट हिमसेल्फ एज द ट्रस्टी और द को ओनर्स, जो उसके साथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, जो उसका स्टाफ है, दे शुड बी ट्रीटेड एज द को ओनर्स, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही लोग कर रहे हैं ना। दे आर पुटिंग देयर लेबर, दे आर पुटिंग देयर हार्ड वर्क, ओके, अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयर, सो दे शुड बी ट्रीटेड एज द को ओनर। और सिमिलर ट्रस्टीशिप वाला फंडा जो है ये वर्कर्स को भी मानना है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रस्टीशिप वाला कंसेप्ट सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए है, एम्प्लॉयज को भी इक्वली ये ट्रस्टीशिप वाले कंसेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। उनको सिर्फ ये नहीं है कि कोई एम्प्लॉय मिल के अंदर आ रहा है, फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, और वो जिस मशीन पर काम कर रहा है वो उसको बस ऐसा लग रहा है कि ये तो एम्प्लॉयर की मशीन है, खराब होती है तो हो जाए, कल खराब होती है, आज खराब हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मशीन खराब होगी उल्टा मैं तो बेला होकर के बैठ जाऊंगा और मेरे को तो तनख्वाह मिलेगी जब तक मशीन ठीक होगी। पर ऐसा नहीं करना है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को ओनरशिप का क्या मतलब है, जितना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओनर समझना है, उतना फिर एम्प्लॉय ने भी ये दिखाना है कि हाँ अगर ये एक फैक्ट्री में ये मशीन लगी हुई है तो ये सिर्फ एम्प्लॉयर की मशीन नहीं है, ये मेरी मशीन है, ये ठीक से काम करे ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बिगड़े ना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम मेरी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। सो दिस इज द ट्रस्टीशिप कंसेप्ट। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट आर गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर ने दिया है। लीगल ओनर हो आप, ठीक है, लीगल ओनर हो, बट अल्टीमेटली ये आपको भी नेचर ने दिया है, तो ये सबको बिलोंग करता है, जो भी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स है, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। ऑलराइट, और अगर आप ट्रस्टीशिप थ्योरी को कंपेयर करते हो बाकी के कंटेम्प्रेरी जो लेबर रिलेशन सिस्टम्स हैं, ये उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी को ओनरशिप की बात नहीं कर रहे। वो क्या बात करते हैं कि भाई नेगोशिएशन कर लो, एम्प्लॉय का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करा लो, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी कोई ये नहीं बोलता कि सबके सब जो है को ओनरशिप वाली चीज़ यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। सो बेसिकली गांधी जी जो अपनी अप्रोचेज हैं, स्पेशली जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है, उससे क्या लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मटीरियल एडवांसमेंट लेकर की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन लोगों के पास कैपिटल नहीं है, ओके, उनकी मटेरियल एडवांसमेंट कैसे होगी अगर को ओनरशिप वाला कंसेप्ट आएगा, जो हैव नॉट्स हैं वो हैव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो गांधी जी ऑल्सो रियलाइज दैट रिलेशंस बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट कैन ईदर बी अ पावरफुल स्टिम्युलस टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। तो गांधी जी ने सीधा सीधा बोला कि अगर तो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, अगर आप ये ट्रस्टीशिप वगैरह की थ्योरी को प्रॉपरली फॉलो करते हो, फिर तो देश का इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, सोशल प्रोग्रेस भी होगा। अगर लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंटिन्यूअसली कन्फ्लिक्ट चलते जाएंगे तो देश के अंदर इकोनॉमी भी जो है वो रुक जाएगी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी रुक जाएगी और उसकी सोशल ग्रोथ भी जो है वो रुक जाएगी। ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू हिम इंडस्ट्रियल पीस वॉज एन एसेंशियल कंडीशन not only for the growth and development of the industry itself but also in a great measure for the improvement in the condition of work and wages।
ठीक है, तो अब जो इंडस्ट्रियल पीस होगा उससे इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही, इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ही, अल्टीमेटली देश तो डेवलप होगा ही। उसके साथ साथ क्या होगा, जो वर्कर्स हैं उनकी वर्क, उनकी जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा, वेजेस भी जो है वो भी इम्प्रूव होंगी। साथ ही साथ महात्मा गांधी जो है वो वर्कर्स का राइट टू अडॉप्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी प्रमोट करते थे। ऑलराइट, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में वंस अगेन देयर शुड बी आर्बिट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन पीसफुल मैनर, आपने वॉयलेंट नहीं होना है। ऑलराइट, सो दिस वॉज द गांधियन अप्रोच। नाउ ही ऑल्सो प्लीडेड फॉर परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना है। ऑलराइट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी महात्मा गांधी जो है वो प्रमोट करते थे। लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो आर्बिट्रेशन को प्रमोट करेगी बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट। ओके, नाउ फॉर हिम मीन्स एंड एंड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में लेबर लॉ में ये भी बोला कि आपका एंड गोल है, चलो ठीक है कि आपका एंड गोल है प्रॉफिट मेकिंग, बट द मीन्स टू अडॉप्ट दैट प्रॉफिट मेकिंग वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको जो डेविल मीन्स है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गांधियन अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑलराइट, सो गाइज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस गांधियन अप्रोच। आई होप यू लाइक इट एंड गॉट टू लर्न सम न्यू थिंग्स। स्टिल अ मोर लॉट ऑफ कंटेंट इज रेडी टू कम, डो नॉट वरी, जस्ट कीप ज्वाइनिंग एंड प्लीज शेयर द चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।